पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व वाहन रैली निकाली गई, जिसमें वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व पार्षद और भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ने कमर कस चुके हैं। इसके तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने छोटेलाल चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पूर्व छोटेलाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस रैली ने समूचे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। रैली में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियाँ शामिल हुए। वाहन रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँची। यहाँ छोटेलाल चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली के दौरान सभी वार्डों में छोटेलाल चौधरी का वार्ड वासियों द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। वहीं बुजुर्गों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। छोटेलाल चौधरी को विभिन्न समाज के प्रमुखों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी छोटेलाल चौधरी ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। रैली निकालने के पूर्व छोटेलाल चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वाहन रैली और नामांकन को लेकर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी छोटेलाल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, पहले तुम्हें दुर्गा जी का रामनवमी दिन था कल, ये देखते हमने कल शुभ मुहूर्त था, कल हमने नामांकन दाखिल कर दिया है और हम लोग कम से कम कल 250 बाइक में, 125 बाइक में कम से कम अपने सब भाई बंधु समर्थक सब लोग साथ में थे, हमने अपना कल नामांकन दाखिल किया। कल तैयारियाँ तो आप देखिए, हर एक लोग का समर्थक है मेरे पास, हर एक, क्योंकि ये है सामिक बस्ती, सबने चुनाव लड़ा है। पहली बार वैशाली नगर में कोई कैंप में निवास करने वाला, कैंप में झोपड़पट्टी रहने वाला चुनाव लड़ा है। इस बार का चुनाव को मन लोग जनता बना चुकी है। बड़े बिल्डिंग तो बहुत देखा, इस पर झोपड़पट्टी वाला देखना है। यहाँ तो विकास के मामले बोलिए तो मैं तो पहले बोल चुका हूँ, कुछ विकास हुआ नहीं है वैशाली नगर में। इस बार मतदाता अगर मेरे को चुन के लाती है तो मैं बहुत अच्छा काम कर दिखाऊंगा। 5 साल में नहीं करूंगा तो 26 साल में चुनाव में लड़ूंगा। संपर्क के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ ही बता सकता संजय भी आपको, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ चुनाव में लड़ना है, मैंने फुल छाप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, जिनका नाम है रिकेश सिंह जी। नहीं, मेरे अलावा मेरे समाज के लोग भी हैं, मेरे समाज के लोग भी चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं नहीं लड़ा, वैशाली की जनता में चुनाव लड़ा रही है। वैशाली की जनता से पूछना पड़ेगा, पूरी जनता से मेरे को चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू। फिर लड़ाए तो इन्होंने है, खड़ा मेरे को इन्होंने करा रहे हैं, इनका जनसंपर्क है, तो बैठने में कोई बात ही नहीं होता इसमें। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी ने अपना जनसंपर्क अभियान भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का टिकट फाइनल होते ही शुरू कर दिया था। वहीं महिलाओं की टोली भी उनके पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। छोटेलाल चौधरी को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। वैशाली नगर के वार्डो में आतिशबाजी के साथ छोटेलाल चौधरी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उनके पक्ष में युवाओं की बड़ी संख्या कार्य कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।